हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है, इसके लिए रिक्वेस्ट भी बहुत सारी है कि अगर हम लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो शंकर जी की कैसे लें। जैसे कि मैंने शंकर जी की गुरु दीक्षा ले रखी है, वो मेरे गुरु हैं, सर्वप्रथम गुरु वही हैं मेरे। इसके पहले मेरे गुरु जी थे, मैंने उनसे कहा गुरु जी आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है वो शिव जी की गुरु दीक्षा लीजिए, अति उत्तम होती है। हम तो इंसान हैं, भगवान की लीजिए ताकि जीवन के हर मोड़ पे आपके साथ खड़े रहें। एक गुरु ही ऐसा होता है जो आपका सही मार्गदर्शन भी करता है, आपको भटकने नहीं देता है और आपकी सही परीक्षा भी लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज शेयर करने जा रही हूँ कि आप गुरु जी, जो शंकर जी की अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो किस प्रकार लें। कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियाँ नहीं ले सकती, लड़के नहीं ले सकते, या बच्चियाँ, महिलाएं, जो भी, हाँ आप लोग, सब लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं। सामग्री विशेष क्या है आप वो लिख लें। इनकी गुरु दीक्षा लेने के लिए आपके पास होना चाहिए पंचामृत की सामग्री, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, साथ ही साथ सफ़ेद चंदन, भांग और सफ़ेद कपड़े। सफ़ेद कपड़े दो लगेंगे तो आप ये ले लीजिएगा। ये मैं आपको बहुत सरल और उत्तम विधि बता रही हूँ कि आप खुद से ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी पुरोहित द्वारा भी ले सकते हैं। आप किसी पंडित जी को बुला लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे से इस विधान को करवा देंगे। आप चाहें तो इस दिन रुद्रा अभिषेक करवा कर भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ। आप पुष्प ले लें सफ़ेद रंग के, बेलपत्र ले लें, मदार ले लें, आंक ले लें, धतूरा ले लें, गन्ना ले लें, बेर ले लें, ये सब चढ़ता है इनके ऊपर, तो आप ये ले सकते हैं। गेहूँ की बाल ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं। प्रसाद में आप सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं, नारियल के लड्डू विशेष प्रिय होते हैं, आप वो ले सकते हैं, या कोई और मिठाई आपको वाइट रंग की मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम आपको नहाकर मंदिर में आ जाना है, सफ़ेद रंग के स्वच्छ वस्त्र पहन के स्वच्छ आसन पर विराजित होना है। हमारे शिव जी का जो है वो आपको स्नान कराना है, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद समी पुष्प और शमी की पत्ती, पुष्प, आंक, धतूरा, मदार, ये सब आप उनके ऊपर अर्पित करके उन्हें भोग दिखा के, दीप धूपक दिखा के, धूप दिखा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए। उसके बाद आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए और आपको इसमें लगेगा एक रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अवश्य लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। रुद्राक्ष आप वहीं रख देंगे और शिव जी से इस बात को संकल्प लेके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कोई हमारा गुरु नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अब आप मेरे गुरु बन जाएं और अपनी गुरु दीक्षा देना मुझे जो है वो स्वीकार करें। आप मुझे गुरु दीक्षा दें ताकि मैं आपका शिष्य बन जाऊं और आप मेरा गुरु बन जाएं और मुझे हमेशा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें, मैं किसी भी ऐसे गलत रास्ते पर ना जाऊं जिससे संसार का या मेरा अहित हो। हमेशा जो है वो अच्छे रास्ते पर चलूँ, गुरुजनों की संगत में रहूँ। और जैसे कि देखिए, आप 10 लोगों की बुरी संगत में हैं, उसके बाद अगर आप एक अच्छे व्यक्ति की संगत में है ना, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस तरीके से जो है वो संकल्प ले लीजिए, कलावा अपने हाथ में बांध लीजिए। उसके बाद हाथ में आप एक सिक्का ले लें, चावल ले लें और वो रुद्राक्ष जो मैंने आपको बताया वो रख लें और प्रभु को ऐसे छिला के अपने पास ले लें, जिसे हम लोग कहते हैं कि गुरु जी ने हमारे गुरु मंत्र दिया है। जो कहते हैं ना, इनके गाल में पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र फूंक दिया गया है, तो वो गुरु मंत्र होता है। आप कोई भी उठा सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र भी ले सकते हैं। प्रतिदिन इसका जप करना होता है। गुरु दीक्षा में फल का त्याग किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा फल है जो आप त्याग सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद है, आप नहीं खाना चाहते। तो आप जैसे कि मैं मैं अपना बताऊँ तो हंसी आ जाती है, क्योंकि एडमिट बोलते तो बहुत चंटू हो। तो एक गूलर हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ गूलर कहते हैं। उसके जैसे ही खोलते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, एक फल होता है, हमारे यहाँ गूलर कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। मैंने उसे छोड़ा हुआ है, मैं उसे नहीं खाती, क्योंकि वो मैंने गुरु दीक्षा में छोड़ दिया है। आप अगर शंकर जी की गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो आपको माश, मदिरा सब कुछ त्यागना होगा। इसके बाद आप अंडे का सेवन भी नहीं कर सकते। गुरु दक्षिणा लेने के बाद बहुत नियम होते हैं, इनके पालन किए जाते हैं और हर गुरु पूर्णिमा पर, साल में एक बार आएगी गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन अपने गुरु जी का विशेष जो है पूजन किया जाता है, उनको वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु जी को वस्त्र देते हैं, उनका विधिवत पूजन करते हैं, उनके चरणों को जो है धुलाते हैं। जैसे कि मेरे गुरु जी हैं, मैंने भले गुरु दीक्षा नहीं ली रखी है लेकिन मैं उनका विधिवत पूजन करती हूँ, मुझसे बहुत दूर है, उसके बाद भी मैं उनका पूजन यहीं से करती
करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म तो कर रही हूँ। तो कर्म करना विशेष है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल प्रभु आपके कर्मों के अनुसार स्वयं आपको दे देंगे। तो ये गुरु दीक्षा का छोटा सा विशेष विधान है, आप चाहें तो इसके द्वारा आप गुरु दीक्षा घर में स्वयं से ले सकते हैं, इसमें आपको किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप चाहें तो कोई अच्छे पुरोहित से मिल लीजिएगा, वो भी आपका ये विधान बड़े ही सरल विधि से, आसान तरीके से करवा देंगे, आपको गुरु दीक्षा शंकर जी से बिल्कुल दिलवा देंगे। और आप चाहें साथ ही साथ तो आप इस दिन भोजन बना सकते हैं, किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवा सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो ब्राह्मणों में दान भी दे सकते हैं, गुरु दीक्षा लेते समय दान भी किया जाता है, तो आप किसी ब्राह्मण देवता को कोई भी चीज़ जो है वो दान कर सकते हैं, जो आप दान करने की सामर्थ्य रखते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और मुझे आशा करती हूँ कि आपको गुरु दीक्षा लेने का ये विधान पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।